अभी राइट नाउ हम लोग अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर दिस मंथ ओनली, अप टू 30,000 का डिस्काउंट हम लोग डील करें जो राइट नाउ जो हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर आपको 5 साल की वारंटी बढ़ा कर देंगे। 5 साल मतलब ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्या मिलता है हमें पहले? डिस्काउंट यहाँ भी अवेलेबल है 310R मॉडल NCS। BMW जो है वो अपने हर एक कैटेगरी में सबसे अच्छी मोटरसाइकिल्स निकालने की कोशिश करता है। अगर आप उसकी लेटर कैटेगरी में चले जाओ तो आपकी BMW की S1000RR जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट कॉम्पिटिशन हो जाता है किसी भी दूसरी मोटरसाइकिल से। उसी के साथ साथ अगर आप उसके एडवेंचर कैटेगरी में चले जाओ तो एडवेंचर कैटेगरी में BMW ने जो है वो प्योर डोमिनेंस जो है वो कर रखा है, जिसमें कि आपकी 1250 GSA जो आपकी मोटरसाइकिल हो जाती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मोटरसाइकिल हो जाती है, जिसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है हमारा ट्राइम की टाइगर से। बट समहाउ जो आपकी 1250 है वो लोगों के द्वारा थोड़ी सी ज़्यादा पसंद करी जाती है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम लोग BMW की इनिशियल कैटेगरी यानी कि 300 cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया में तीन वेरियंट्स में आती हैं, मतलब तीन मोटरसाइकिल्स आती हैं। एक आपका नेकेड वर्जन आता है जो कि आपका जी हो जाता है, उसके बाद में एक आपका फुली फेट जो वेरिएंट आता है जो कि हमारा RR हो जाता है, G310RR। उसके बाद में अगर आप हमारा एक एडवेंचर कैटेगरी का भी ऑप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपका GS का ऑप्शन हो जाता है। अब मैं आप लोगों को और चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि जो आपकी BMW की G310RR मोटरसाइकिल है ये ऑलरेडी आपकी काफ़ी ज़्यादा फेमस मोटरसाइकिल है, और ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये इस मोटरसाइकिल का 2024 का नया अपडेटेड कलर आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आज हम आपको एक 30,000 रुपीज से कुछ ऑफर देने वाले हैं, जो कि हमें इस वीडियो में आप देखते रहोगे तो आपको आगे जाकर के पता चल जाएगा। उसी के साथ साथ वो सेम ऑफर आपका GS के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसके ऊपर आपको 30,000 का ऑफर नहीं है, आई एम सॉरी, आपको जी के ऊपर है यानी कि नेकेड कैटेगरी वाली मोटरसाइकिल के ऊपर हो जाता है, और उसके बाद में आपका GS के ऊपर हो जाता है। तो दोनों मोटरसाइकिल जो है ये आपको 30,000 के जो ऑफर्स हैं, जो डिस्काउंट है, वो आपको पता चलेगा आज के हमारे वीडियो में। तो हम लोग जानेंगे कि 2024 में अगर आप लोगों को कोई 300 cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल चाहिए तो उसमें अगर आप लोग BMW में आते हैं तो क्या ये आप लोगों के लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है कि नहीं। बिकॉज इसका अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देखो तो आपका TVS की अपाचे RR 310 हो जाती है, बट BMW जो है वो आपको एक फील अलग प्रोवाइड करती है। थोड़े से चेंजेस इस मोटरसाइकिल में आपको अलग मिलते हैं, जो वेयर एंड टेयर क्वालिटी है वो भी आपकी एज कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल थोड़ी सी बेटर हो जाती है, लेकिन उसी के साथ बेटर होती है इन सब लोगों की मेंटेनेंस भी। तो हम लोग जानेंगे कि अगर आप लोगों को 2024 में कोई भी 300 cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल चाहिए, अगर आपको नेकेड चाहिए तो आपकी जी हो जाती है, उसके बाद में अगर आपको आर चाहिए तो RR हो जाती है, अगर आपको फुली फेट कैटेगरी की चाहिए, उसके बाद में अगर आपको एडवेंचर कैटेगरी की चाहिए तो आपकी GS हो जाती है। लेकिन ये तीनों मोटरसाइकिल कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है एट प्रेजेंट 2024 में, जिसमें कि अगर आप लोग लेना चाहें तो उनकी क्या स्पेसिफिकेशन हो जाती है, अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर हो जाते हैं, इनमें हमें क्या प्राइजेस मिल जाते हैं, इनके नए कलर्स हैं, उसके साथ साथ इसमें क्या नए चेंजेस हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप लोगों को कोई भी BMW की 300 cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल लेनी हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बिकॉज इसमें हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के करिए उसे सब्सक्राइब, और चले शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी दैट इज साम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। अब सबसे पहले जो हमारी मोटरसाइकिल होने जा रही है वो हमारी है BMW की G310R। अब ये जो हमारे सामने है ये है हमारी GS, जो कि है हमारी एडवेंचर कैटेगरी की। सबसे पहले हम लोग चलेंगे R कैटेगरी, जो कि हमारी नेकेड कैटेगरी, लेकिन उससे पहले हम लोग चल के मिलेंगे आज के हमारे को होस्ट से, जिनका नाम है अमित भाई। अमित सर कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? परफेक्ट यार, बढ़िया 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 सर। चले लोग मिले, बहुत अच्छा सब कुछ रहा, बिल्कुल बहुत अच्छा सब कुछ रहा हमारे उस वीडियो के ऊपर, नए वीडियोस जो हमारा सबसे पहला वीडियोस इनिशियल वीडियोस में से कुछ थे हमारे BMW के ऊपर ही था, और उसके ऊपर हमारे करीब 15-16 लाख व्यूज ऑलरेडी आ रखे हैं लास्ट में। बिल्कुल, तो और लॉन्च करा था RR, उस समय की वीडियो से बहुत अच्छा हम लोग को मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा। बिल्कुल, और इस वीडियो पे भी आप लोगों को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देना है, बिकॉज हम लोग फिर से हमारी जो कि RRR और आपकी GS कैटेगरी है उसको लेकर के आ गए हैं BMW में। तो आप हमें ये बताइए अमित सर कि जो हमारी BMW कैटेगरी है वो हमारी 300 cc कैटेगरी में तीन मोटरसाइकिल्स निकालती है ना, आप इसके बारे में हमें तीनों के बारे में बताना शुरू करिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। अभी राइट नाउ हम लोग अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर दिस मंथ ओनली, अप टू 30,000 का डिस्काउंट हम लोग डील करें, जो कि स्पेसिफिकली इस मॉडल पे एंड दैट इज GS मॉडल पे। ठीक है, तो हमारा 30,000 का कुछ डिस्काउंट है जो कि हमारा इस पर अवेलेबल है, आर पे और GS पर अवेलेबल, वो जिसपे कि हम लोग अच्छा खासा डील दे रहे हैं। ऑल्दो हमारा RR मॉडल
हॉट सेलिंग वो ऑलरेडी हमारा जो है हॉट डील है, तो उसके ऊपर कोई आपको डील अवेलेबल नहीं है उसके लिए. और बट उसका एक नया कलर आया है जो कि हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी सबसे पहले आर कैट, जो कि हमारी नेकेड कैटेगरी की मोटरसाइकिल हो जाती है. तो सर ये मोटरसाइकिल हमारी बताई कि अगर किसी भी इंसान को 300 सीसी कैटेगरी की नेकेड बाइक चाहिए तो वो हमारी BMW की G310R क्यों ले. एग्जैक्टली, अगर स्टार्टिंग देखा जाए, अगर कोई भी प्लानिंग करके हमें एक प्रीमियम सेगमेंट में जाना, कुछ बेहतरीन मशीन लेना है, अगर 300 सीसी में देखा जाए तो इससे बेहतर मशीन मार्केट में अभी फिलहाल नहीं है. इवन अगर देखेंगे अगर 350 सीसी है, 390 सीसी है, बट वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंसेड है. बट आपको इस कैटेगरी में, इस प्राइस में आपको प्रीमियम सेगमेंट के बाइक मिले फ्रॉम BMW. बेसिकली इस बाइक की बात करें, दिस इज़ अ 310R और बेसिकली कम्स विद अ 3 कलर ऑप्शन, कॉस्मिक ब्लैक एंड स्पोर्ट्स एंड रैली. दिस इज द न्यू कलर. दिस इज द न्यू कलर. ठीक है, ये किस कलर का क्या? आर स्पोर्ट्स. आर स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली स्पोर्ट्स मॉडल है ये. बेसिकली ब्लू व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में. एंड इसमें क्या चेंजिंग करा कि पहले व्हाइट ज़्यादा पार्टिकल थी इसमें, जो ब्लू ये ब्लू कम था. एग्जैक्टली पहले ब्लू कम था, अब क्या है कि ब्लू को ज़्यादा कर दिया गया और व्हाइट पार्टिकल थोड़ा सा कम करा और उसको प्रीमियम लाइन दे दी गई. टॉप लाइन है ना, स्पोर्ट लाइन, जो कि टॉप ऑफ लाइन में ये बाइक आती है हमारी. ठीक है, इसी सेगमेंट में एक और आती है जो कि ग्रेनाइट ग्रे मेटालिक है, जो ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन में, ब्लैक ग्रे रेड कॉम्बिनेशन, ब्लैक ग्रे एंड रेड कॉम्बिनेशन में आती है. तो दोनों के प्राइस देखा जाए, प्राइस भी सेम है, 3,05,100 में आती है ब्लू वाली की. ऑन रोड कितनी पड़ती है हमारी? अगर ऑन रोड दिल्ली की बात करोगे, दिस इज अ 354 354,000 रुपए की ऑन रोड विद 3 ईयर वारंटी. एंड राइट नाउ जो हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर आपको 5 साल की वारंटी बना कर देंगे. 5 साल मतलब ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्या मिलता है हमें पहले? 3 ईयर्स अनलिमिटेड माइलेज बोले तो कोई बाउंड्री से नहीं कि कितना किलोमीटर चला रहे हो, अनलिमिटेड चलाओ 3 साल में. इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स सबकी वारंटी में कवर रहेगी. ठीक है, तो और उसके अलावा आपको कुछ खर्चा नहीं होता? लेकिन कुछ भी नहीं. एडिशनल क्या आया? एडिशनल में आपको हम एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हैं एंड अदर एक्सेसरीज एंड बहुत सारे आपको डिस्काउंट भी देंगे अप टू 30,000 का है, जो उस डील के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. तो बेसिकली 30,000 रुपीज़ तक की जो भी आपकी डील होगी वो यहाँ पर आपकी अवेल आपका रखकर कर सकते हो, चाहे वो आपकी एक्सेसरीज में हो, चाहे वो आपकी बाकी सारी चीज़ में. तो बाकी और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए अगर BMW को कोई मोटरसाइकिल लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पर अभी इस मंथ का ही ऑफर चल रहा है. अमित भाई का जो नंबर है वो हमारा कॉमेंट सेक्शन में आपका अवेलेबल रहेगा, सॉरी हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से जा करके उठा सकते हो. तो हम लोग आ जाते हैं. जी हाँ, ऑल्दो बेसिकली प्राइस में देखोगे तो प्राइस हमारा 10,000 कमी होती है. बेसिकली 3 कलर ऑप्शन, तो ब्लैक हमारा बेस कलर है, तो बेस कलर की कॉस्टिंग अदर कलर से जो है 10,000 ऑलवेज कमी होती है. तो अगर ब्लैक प्लानिंग करो, बट सभी बाइक पे हमारी वेटिंग होती है तो पहले बुकिंग करनी पड़ेगी. वेटिंग कितनी है? वेटिंग अराउंड 45 डेढ़ महीने की वेटिंग हो जाती है. एग्जैक्टली 45 मैक्स वेटिंग है, बट हम ट्राई करते हैं कि 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज में बाइक अवेलेबल करा दें. ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल के थोड़े से स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें हमें फ्रेम कौन सा मिलता है अमित भाई? फ्रेम इसमें हमें स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिलता है. एग्जैक्टली ठीक है, फ्रेम मिलेगा. काफी लाइट वेट है, इजी टू मैनूवर, आप इजीली चला सकते हैं. सिक्स गियर है, राइड बाय वायर का फीचर्स मिल जाएगा आपको, एडजस्टेबल क्लच, एडजस्टेबल ब्रेक एंड एलईडी लाइट जो कि काफ़ी ब्राइट रोशनी है. इसका एलईडी आप देख भी सकते हैं ये. बिल्कुल, जो बिग बाइक्स में आती है बेसिकली ये DRL जो कि आपको 310 cc मिलेगी, जो अदर व्हीकल्स में आपको नहीं देखने मिली. जैसे कि RR में आपको DRL नहीं देखने मिलती, RR में हमें DRL नहीं मिलता. और में कम्प्लीटली एलईडी लाइट होती है इसमें. एंड यहाँ आप लो बीम हाई बीम का भी ऑप्शन है यहाँ पे, बट हाँ यहाँ पे आपको मोड्स नहीं मिलती है. अच्छा, हमें आर में मोड्स नहीं मिलते हैं ना हमारे, लेकिन अगर जैसे इस आर आर कैटेगरी में चले जाएं सेम इंजन पे ही, तो हमें 4 मोड मिलते हैं जिसमें से आपका जो ट्रैक और आपका जो रेस मोड है वो आपकी फुल पावर प्रोवाइड करता है, बट उसमें जो आपका जो अर्बन और आपका रेन मोड है वो आपका 25.8 PS की पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है मोटरसाइकिल को. लेकिन आपको इस मोटरसाइकिल में कोई भी मोड्स मिलने वाले नहीं है. तो ये आपकी कैसे एक रॉ मोटरसाइकिल हो जाती है आपकी 300 cc की? फीचर वाइज इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है जी, है ना, उसके बाद में आपको राइड बाय वायर मिलता है, उसके बाद में आपको एडजस्टेबल क्लच, एडजस्टेबल ब्रेक मिल जाता है, आपको अपने फिंगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसे आप एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा फीचर वाइज और हमें इसमें कुछ नहीं मिलता? सबसे प्लस पॉइंट की ये बहुत लो राइड, मतलब सीटिंग हाइट जो है इसकी कम है, 785, तो आप किसी भी हाइट के बंदे हो तो इजीली इसे ड्राइव कर सकते हो. तो ये लाइट वेट मोटरसाइकिल भी हो जाती है, आपकी सीट हाइट भी इसकी कम हो जाती है, और इसके बाद में आप इजीली मैनूवर भी काफी अच्छी, पावर भी अच्छी, 34 BHP पावर मिलेगी. 34 BHP और न्यूटन मीटर टॉर्क कितना है इसका? 28 न्यूटन मीटर टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स हो जाती है, 160 प्लस की टॉप स्पीड होगी इसकी.
एंड ये ब्रेकिंग इसका काफी रिस्पांसिबल है, एबीएस काफी अच्छा रिस्पांसिबल है। ब्रेकिंग आप मेरे को अच्छी बता रहे हो, लेकिन मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ी सी शिकायत सुनी है कि ब्रेकिंग जो है जिस हिसाब से ये भागती है ना, उस हिसाब से रुक नहीं रही है। बीइंग लाइट वेट थोड़ा सा होता है, आपको बीइंग अ राइडर आपको थोड़ा सा टेक ओवर करना पड़ेगा कंट्रोलिंग, जैसे एक्सेलेरेशन ब्रेकिंग कंट्रोलिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग भी चलाते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे क्लाइंट है, तो इससे गुड फीडबैक है। इवन इसके हमारे ऐसे क्लाइंट मिले जो कि 40,000 चलाने के बाद ही उनके बोलते भाई टायर तो मेरी वैसे ही वैसे वैसा ही है, तो वैसा ही है। कौन से तरह से चला रहा हूं हमें भी बता। एंड अगेन आरएड का फीडबैक मेरे पास ऐसे कि कुछ लोग बोलते हैं यार मेरी तो माइलेज कम देती 25 से, माइलेज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग आरआर पे जाएंगे तब बात करेंगे। तो हम लोग फाइनली आ जाते हैं यहां पर हमारी बीएमडब्ल्यू की G310R पे, जो कि आपकी कितने वेरिएंट में, सिंगल वेरिएंट कितने कलर्स, तीन कलर्स, ठीक है, तीन कलर, जिसमें आपका जो बेस कलर हो जाता है वो आपका कॉस्मिक ब्लैक, वो आपका 3,44,000 रुपीस का होता है, बिकॉज़ दैट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बाकी कलर्स पे चले जाते हो जो कि आपका ग्रे और स्पोर्ट्स कलर है, वो आपका 3,54,000 रुपीस का हो जाता है आपका ऑन रोड दिल्ली में। लेकिन अगर आप इसको फाइनेंस करवा करके लेके जाना चाहते हो तो वो हमारे कितने में फाइनेंस हो जाएगी अमित जी? इजीली फाइनेंस सर हमारे, अगर पैसे में कम से कम कितने पैसे, 60,000 देके भी फाइनेंस इजीली करा सकते हो। ठीक है, 50 आपका 5 साल का होगा, पहले हमारा बीएमडब्ल्यू से ट्राई करेंगे फिर अदर बैंक हम देखते हैं। ठीक है, तो आपका बिन हाउस बीएमडब्ल्यू का इन हाउस भी जो है आपको फाइनेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहां से नहीं मिलता है तो फायदा क्या, अगर हम बीएमडब्ल्यू से कराते हैं हमें इंटरेस्ट रेट वगैरह कम मिलता है? इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, कितना प्राइवेट बैंक से देखा जाए तो सबसे इंटरेस्ट रेट कम है, जितना ट्राई करते हम लोग इंटरेस्ट कम से कम रखे। वैसे देखा जाए स्टैंडर्ड बड़ी व्हीकल हमारे 6.5 का आता है, इसके लिए हम लोग 12-12.5-13 का लो इंटरेस्ट है, जो कि रिड्यूसिंग में सारे। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी पहली मोटरसाइकिल जो कि हमारी नेकेड कैटेगरी की G310R हो जाती है। अब अगर नेकेड कैटेगरी में थोड़ा सा फुली फेट ऑप्शन पर आ जाते हैं तो फिर हमारी मोटरसाइकिल जो है वो आ जाती है जो कि हमारी BMW की अभी एट प्रेजेंट इंडिया में हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट हो जाता है। एंड द नेम ऑफ द मोटरसाइकिल इज BMW G310R। प्लीज सर एनलाइटन अस कि ये हमें कैसा मॉन्स्टर, कैसा बीस्ट मिल जाता है 300cc कैटेगरी में, जो लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि लिटरली ये मोटरसाइकिल आपकी टीवीएस अपाचे आर 310RR जो आपकी अपाचे है जो इसका राइवल हो जाता है। क्योंकि अगर ये मोटरसाइकिल देखो तो ये आपकी टीवीएस के साथ कोलैबोरेशन में बनी है, इसमें जो इंजन है वो आपको बीएमडब्ल्यू ने प्रोवाइड करा है, बाकी सारे पार्ट जो आपको टीवीएस ने प्रोवाइड करे हैं। लेकिन ये सेम मोटरसाइकिल आपकी टीवीएस से 33,000 रुपीज जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन लोग इसी को लेना पसंद करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट्स बीएमडब्ल्यू। और बाकी जो है वो आपको अमित जी बताएंगे। बताइए सर, व्हाई इज दिस मोटरसाइकिल सो स्पेशल? यार अपने सेगमेंट का सबसे स्पेशल मतलब स्पेशल मशीन, और एक बोला जाए तो एक यंगस्टर के ना एक बिग बाइक की फील जो है ना वो भरी लाती है। एंड इवन इसके पावर, इसके परफॉर्मेंस, बहुत लोग बोलते हैं TVS, तो अगर कंपेयर करोगे ना तो बहुत सारे डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी, इसकी फाइबर क्वालिटी एंड इसके टॉप स्पीड, इसके परफॉर्मेंस, क्योंकि हम लोग वही इंजन ऑयल डालते हैं, वही चीज़ें हम इसमें डालते हैं जो हम लोग बिग बाइक्स में डालते हैं, तो कंप्रोमाइज़ कहीं भी हम लोग परफॉर्मेंस में नहीं करते हैं। एंड दैट्स व्हाई यहाँ का सर्विस शेड्यूल भी आपका 10,000 किलोमीटर ईयरली बना है। बट ये है कि हमारा सारा सर्विस पेड होता है, ठीक है, कोई मतलब फ्री सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। एंड ये बाइक बेसिकली 2 कलर ऑप्शन में आती है, जो कि सबसे हॉट मॉडल में आती है हमारी वाइट कलर, जो कि सबसे ज़्यादा हाई सीलिंग में आती है, उसके बाद आती है ब्लैक कलर। व्हाइट ज्यादा सेल आउट होती है, ज्यादा सेल आउट है, बट ये कलर तो अभी नया आया तो अभी ज्यादा बिका ही नहीं। इसकी डिमांड अब बढ़ गई है क्योंकि जब से ये न्यू कलर में आई है, न्यू ग्राफिक्स डाली है, तो इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। एंड ये प्राइस भी कम आती है तो लोग ज्यादा प्रेफर ये करते हैं। बट कितने की प्राइस है, क्या है? इट्स 3.5 इसका एक्चुअल में, 3,05,000। अगर इसकी एक्चुअल में बात करें 3,19,000। अगर ऑन रोड देखेंगे दिस इज 360 ऑन रोड दिल्ली एंड दिस इज 375। परफेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में बात करें, सो यू गेट अ सेम इंजन, इसमें हमको वही 313 cc, एग्जैक्टली है ना, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन दैट गिव्स यू 34 bhp एंड 28 Nm टॉर्क, 6-speed गियरबॉक्स। अगेन टॉप स्पीड इसकी ज्यादा मिलेगी। टॉप स्पीड इसकी कितनी है? बिकॉज़ ऑफ एग्रेसिव इसका स्टांग की वजह से बिल्कुल ही आपकी फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल प्लस का आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा। 170 प्लस का इस मोटरसाइकिल में आपको टॉप स्पीड आ जाता है। और आपकी इंजन सेम होने के बावजूद जो आपकी बाइक है वो टॉप स्पीड ज्यादा क्यों है? बिकॉज ये आपकी फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल है, तो इसकी एरोडायनामिक्स इसी तरह से डिजाइन है, हवा को काटती और मोटरसाइकिल आपकी टॉप एंड पे जो है वो थोड़ा सा फास्ट जाती है आपकी एज कंपेयर टू द नेकेड कैटेगरी। अब इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो है ये आपकी एक सिंगल वेरिएंट में आती है, आपके 2 कलर्स में आती है। फीचर वाइज आपको पता चल चुका है इंजन में आपको क्या मिलता है। उसके बाद में आप बताते इसका जो फ्रेम है वो भी अब हमें कुछ डिफरेंट मिलता है ना, रेड कलर का ये फ्रेम मिलता है, ब्लैक आती थी बट अब क्या है कि इसको रेड कर दिया गया एंड विजुअल ग्राफिक्स कर दिया गया, जो ग्राफिक्स काफी अट्रैक्टिव दिखती है और काफी विजुअल है, जो कि लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। ठीक है, तो ये हमें फीचर्स मिल जाते हैं। उसके अंदर फीचर वाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं, प्राइस नहीं
नहीं बढ़ाया गया, प्राइस वही रखा गया, बट फीचर्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग इसके इंजन को, हमें पता चल चुका है, अगर हम इसके फीचर्स पर आ जाएं तो इसमें हमें फीचर वाइज चार मोड मिलते हैं, है ना? Exactly, इसमें चार मोड मिलेंगे। बेसिकली अगर नॉर्मल राइड करते हैं तो यू विल गेट अर्बन मोड एंड रेन मोड। अगर आप ऑन द हाईवे हैं या फिर ट्रैक पे हैं तो आप स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड यूज करते हैं, यू विल गेट अ बेटर पावर। बिल्कुल ऑन मोड, ठीक है। तो स्पोर्ट्स और ट्रैक में आपकी फुल पावर रहती है, और आपकी अर्बन और रेन में 25.8 पीएस पे पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। टॉप स्पीड इस मोटरसाइकिल की आपकी उससे ज्यादा होती है। उसके बाद में फाइनली हम लोग जानते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग, जो कि आपको सर ने बता दी थी कि हमारे एक शोरूम जो है वो 3.5 लाख रुपए की, बट ऑन रोड ये मोटरसाइकिल कितने की पड़ती है? मैं अगर आप अदर स्टेट से तो थोड़ा प्राइसेस में डिफरेंस आएगा। अगर ब्लैक ले तो ब्लैक का कॉस्ट 15,000, व्हाइट से कम होती है। दिस इज अ 360 एंड व्हाइट इज अ 375 विद रजिस्ट्रेशन। विद रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपकी हाइट वाइट थोड़ी सी ऊंची है, आपको इधर उधर गेड़ी मारने का शौक है, आप थोड़ा सा टूरिंग करते हो, तो फिर आपके सामने आ जाती है BMW का ही 300cc कैटेगरी का ऑप्शन। एंड द नेम ऑफ द मोटरसाइकिल इज BMW GS। सर, इस मोटरसाइकिल के बारे में आप हमें बताइए, व्हाई इज दिस स्पेशल नाउ, और इसकी सेल्स वगैरह कैसी रहती है सर? और इसमें पहले शिकायतें भी आती थी? कम्प्लीटली मैच्योर बाइक है और काफ़ी कंफर्टेबल व्हीकल है। अपने सेगमेंट के देखा तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंफर्टेबल व्हीकल्स में आती है। इसके सस्पेंशन, इसके परफॉर्मेंस अभी कोई बीट नहीं कर सकता इंडियन मार्केट में जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो कैटेगरी में जो भी ले लो, जितने भी लॉन्च हुई है। अब सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल में जो है हमारे कौन कौन सी मोटरसाइकिल आ जाती है जो इसके साथ जाती है? दैट इज डबल आर। जी एस के कॉम्पिटिशन में कौन सी मोटरसाइकिल आ जाती है? 450 हिमालयन ले लो, 450 हिमालयन एंड 390 ले लो एडवेंचर, ये सारे आपका सिंगल सिलेंडर में आती है। बट हाँ, पावर देखो तो पावर कहीं कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा, फीचर्स ज़्यादा है, बट जो आपको कंफर्ट चाहिए, जो राइडिंग स्टाइल चाहिए, जो राइडिंग स्टांस चाहिए, वह जो वैल्यू चाहिए आपका, जो पीपल अट्रैक्शन चाहिए, वो सारी चीज़ आपको एक कंप्लीट पैकेज यहाँ में एक BMW में मिलता है। अब बताइए इस पैकेज में हमें क्या क्या डिफरेंस, क्या चीज़ें मिल जाती हैं? जैसे कि हमारी एडवेंचर कैटेगरी की मोटरसाइकिल है तो इसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसका टायर सेटअप कैसा है, इसमें हम प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना? इसमें हम कम्प्लीटली स्टॉक बनाया है और वो सारे टेस्टेड करने के बाद बनाया था। इसमें कुछ भी एडजस्टेबल चीज़ें नहीं है, ये कम्प्लीट स्टॉक है और सिंपली आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो, ये बात काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगा। अगर देखा जाए इसके सस्पेंशन तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है, मोनोक सस्पेंशन दे रखा है एंड रिवर्स इंक्लाइन इंजन होते हैं इस बाइक में, जो कि BMW में सभी नॉर्म से है। तो इसके जो देखा जाए स्विंग आर्म, देखा जाए तो स्विंग आर्म बड़ी होती है, तो इसे रोड पर स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। एंड आपको मैक्सिलर का टायर मिलता है जो कि ऑफ रोडिंग टायर है, तो आपको रोड पर काफ़ी स्टेबल होती है बाइक। यहाँ स्विचेबल ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है, या स्विचेबल नहीं है, मतलब आप पीछे के टायर को घुमा नहीं सकते। एग्जैक्टली, घुमा सकते हैं तो उस हद तक नहीं घुमा सकते, ये कम्प्लीट बिकॉज ये हार्ड कोर ऑफ रोडिंग लेनी है। दिस कम्प्लीट फॉर टूरिंग पर्पस, इट्स फन टू राइड। अलॉय व्हील भी आपको मिलते हैं, अगर आपकी हार्ड कोर होती तो इसी में जो है आपको स्पोक व्हील का ऑप्शन मिल जाता, बट हो सकता है कि BMW जो है आपके 300cc कैटेगरी में एक आपका हार्ड कोर ऑफ रोडर हो सकता है निकाल दे। वैसे अभी जरूरत नहीं है बिकॉज ये मोटरसाइकिल आपका पूरा काम पूरा कर रही है। तो ये मोटरसाइकिल जो है हमें, इसमें हमें फीचर्स वाइज क्या क्या मिलता है सर? फीचर्स वाइज आपको कुछ स्पेशल फीचर्स आपको देखा जाए तो इसमें सिक्स गियर का स्पीड मिलेगा एंड राइड बाय वायर का फीचर्स मिलेगा, एडजस्टेबल क्लच, एडजस्टेबल ब्रेक मिलेगा एंड बेसिकली ये न्यू कलर ऑप्शन है। तो अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये भी अभी लॉन्च हुई है, नया कलर है, इट्स अ रैली कलर, जो कि पहले कैलामेटा के नाम से आती थी, गोल्डन सीट आती थी पहले फ्रंट में, बट अभी ये रेड एंड ब्लैक में आती है, जो कि ग्लॉसी मैट एंड सबका फिनिशिंग है। ये इसकी सीट हाइट देखा जाए तो 835 सीट है। 835 सीट जो है वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, देखो पैर मेरा इस तरह से आ रहा है। अगर आप मेरी हाइट के बारे में बात करो तो मेरी हाइट जो है वो आपकी 5-10.5 हो जाती है इस वक्त एट प्रेजेंट, और तब भी उसके बाद में मेरा जो पैर है वो प्रॉपरली मतलब एक तरफ पहुंच रहा है लेकिन दूसरी तरफ नहीं पहुंच रहा। अगर मैं दोनों पैर रख रहा हूं तो मेरा पैर इतना पीछे से नीचे से जो है वो उठा हुआ है। तो अगर आप लोगों की हाइट 5'7", 5'6", 5'5" है, देन दिस इज मतलब 5'5" से अगर आपकी हाइट नीचे, देन दिस इज नॉट द मोटरसाइकिल फॉर यू। इसमें क्या हमें कुछ ऐसे सीट का भी ऑप्शन आता है जिसमें हम सीट नीचे कर? लो राइट सीट आल्सो अवेलेबल है, लो राइट सीट एंड हाई राइट सीट का भी ऑप्शन है। अगर आपकी हाइट कम है तो वैसे एडवेंचर देखा, एडवेंचर में क्या होता है, एडवेंचर कोई बाइक चलाओगे ना तो ऊंची रहती है, ऊंची होती है, उसका पैर आपका टिप सैडल करना होता है, नीचे ग्राउंड क्लीयरेंस चाहिए होता है। तो ऊपर से अगर देखा जाए तो लोअर राइट सीट में 35 यूनिट का सीट आता है, जो कि अराउंड 1 इंच आपको कम हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़
820 आपको सीट हेड आ जाएगा एंड इसमें हाई रेट सीट आती है 840 का सीट हेड आता है, ठीक है, तो वो पेड सर्विस ना आता, तो इसमें आपको हाई और लो दोनों आप ऑप्शन अपने हिसाब से एज ए एक्सरीज करा सकते हैं। इसका मोटरसाइकिल का वेट कितना है सर? एडवेंचर इज 169 kg की है, काफी लाइट वेट है, इजी टू मैनोवर है, कहीं भी आप इजीली ले जा सकते, ठीक है। तो ये हमारी मोटरसाइकिल हो जाती है तीसरी, जो कि हमारी GS कैटेगरी की हो जाती है। अगर हम लोग इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो हमारे कितने वेरिएंट्स, कितने प्राइसिंग, कितने कलर्स में ऐसा? अगर बेसिकली कलर्स की बात करें, बेसिकली इसमें तीन कलर ऑप्शन है, व्हाइट एंड ब्लू जो हमारी ऑफिशियल कलर है वो आती है इसमें, एक आती है कॉस्टी ब्लैक जो कंप्लीट ब्लैक आती है, जो कि वो बाइक वहाँ पे लगी, वहाँ आई उधर चलते हैं, वॉली बाइक दिखा भी देंगे। तो ये हमारा दूसरा कलर हो जाता है। पहला कलर आपने कौन सा बताया अमित जी? फर्स्ट कलर इज कॉस्टी ब्लैक, ये आपका पहला कलर हो जाता है, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग देखोगे तो इस 3,80,000 ऑन रोड। तो हमारी GS जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है हमारी G सीरीज में, ठीक है। तो ये हमारा बेस कलर हो जाता है टॉप, सबसे स्टार्टिंग का, दैट इज 3,88,000 रुपीज ऑन रोड। उसके बाद अगर लोग इसके ऊपर चलते हैं तो फिर हम चलेंगे GS और स्पोर्ट्स वाटर में, ठीक है, दैट इज 3,94,000 फॉर द रैली एंड स्पोर्ट्स कलर। स्पोर्ट्स आपका बेसिकली व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में जो आती है वही स्पोर्ट्स की तरह हो जाएगा, हाई सेलिंग में आती है कलर बेसिकली वो चीज है, ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल हमारी 3,88,000 से शुरू होती है, 88,000 रुपीज से और 3,94,000 रुपीज तक की आपकी जाती है ना, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे BMW में तीन मोटरसाइकिल, आपकी G310R नेकेड कैटेगरी की, जिसमें नया कलर आया है, जिसके अंदर आपको 30,000 रुपए के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आप उसे आकर के देख सकते हैं। डिस्काउंट यहाँ भी अवेलेबल है 310R मॉडल एंड GS, बट फॉर लिमिटेड टाइम ओनली दिस मंथ, ठीक है। इसी महीने के लिए आपका 30,000 का वो ऑफर जो है, अगर आप अवेल करना चाहते हो अमित भाई को परेशान करना शुरू कर लो जल्दी से। तो ये तो हो गई हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने आपको इनिशियल सेगमेंट कैटेगरी की 300cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स के बारे में बता दिया, जो कि आपकी तीन ही आती है BMW में, और वो तीनों की इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों के पास है। जस्ट इन केस अगर आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी मोटरसाइकिल चाहिए तो आपकी नेकेड कैटेगरी और एडवेंचर कैटेगरी ऊपर ऑफर चल रहे हैं, आकर के उसे ले जा सकते हो। और अगर आपको फुली फेड मोटरसाइकिल चाहिए तो फिर मेरे हिसाब से ये आपकी मोटरसाइकिल हो जाती है, जो कि आपकी एज कम्पेयर टू द वाइट कलर 15,000 रुपए सस्ती हो जाती है, 15,000 रुपए अफोर्डेबल हो जाती है। आपको जो फ्रेम है वो ब्लैक के साथ रेड में, जो काफी ज्यादा बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करता है, उसी के साथ साथ ये आपका नया कलर भी हो जाता है। तो ये एक बढ़िया सा ऑप्शन हो जाता है अगर आप लोगों को 15,000 रुपए बचाने हैं। तो उसके अलावा अगर आप लोगों को नेकेड कैटेगरी में आना है तो फिर आपका ये BMW का एक नया कलर हो जाता है, जो कि देखने में अभी तक का सबसे ज्यादा बढ़िया कलर लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन मैं जाऊंगा इस मोटरसाइकिल से यहां से आगे, ताकि आप लोगों के लिए BMW के एक प्राइस लिस्ट ला सकूं। अब बेसिकली क्या है कि BMW की बहुत सारी 21 मोटरसाइकिल जो है वो BMW हमारा इंडिया में सेल ऑफ करता है, 21 मोटरसाइकिल। वो 21 मोटरसाइकिल्स तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन जो टॉप 7-8 मोटरसाइकिल है जो कि आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो जाता है इंडिया में, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को रुके रहना होगा, हम लोग जाएंगे आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया से इसी तरह से वीडियोस लेकर के आएंगे। तो मेरे हिसाब से हो गया अमित भाई आज का हमारा वीडियो, हमारा जी सेगमेंट का, तो थ्री सेगमेंट बिल्कुल ओवर करते हैं, उसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारे अगले वीडियोस के ऊपर, जिसमें हम लोग आप लोगों को बड़ी मोटरसाइकिल दिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, जल्दी से आकर आपको फिर से परेशान कर रहे हैं इन फ्यू मिनट्स ओनली, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पे हम लोगों ने आपको BMW की हमारी 300cc कैटेगरी की तीनों मोटरसाइकिल के बारे में बता दिया। जस्ट इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो गया तो वीडियो फिर से वापस ले जाओ और वापस ले जा करके देखो, सारी फीचर्स जो प्रोवाइड कर देते हैं वो भी बता दिया गया है, जो ऑफर्स है वो भी बता दिया गया है, जो आपकी ऑन रोड प्राइसिंग है वो भी बता दिया गया है। अब सवाल ये हो जाता है कि BMW लें या ना लें। अब देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, मेरे हिसाब से हर एक इंसान का सपना होता है एक BMW ओन करने का, मेरा भी हमेशा से हुआ करता था और बहुत जल्दी मैं भी एक BMW आई होप ओन करूंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप लोगों को ये मोटरसाइकिल ओन करनी है तो आ सकते हैं आप यहाँ पे शोरूम पे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आ करके अमित जी को परेशान करना शुरू करिए और ये ऑफर जो है इसको आप अवेल करके ले करके जाइए, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, आप लोगों के लिए इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. This is Sam Siddiqui signing off. Bye bye at Western Salam Boss.